हेलो एवरीवन, डीडी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिलीट मल्टीपल रो डेटा इन रियलजीएस। अब ये देखिए, हमारे पास एक एपीआई है। ये हमारे यहाँ इस एपीआई में 10 यूजर रिकॉर्ड्स हैं। अब इन यूजर रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद इसे हम ऑल डिलीट और चेकबॉक्स पे चेक अनचेक करके डिलीट करेंगे। तो आइए चलते हैं कंपोनेंट पे। तो ये देखिए, ये हमारा कंपोनेंट है डिलीट मल्टीपल रो। और यहाँ पे देखिए, हमने टेबल यूज़ किया हुआ है और टेबल पे यहाँ पे देखिए डमी डेटा आ रहा है। यहाँ पे एक रिकॉर्ड दिख रहा है, वन टेस्ट टेस्ट एट द रेट जीमेल, और यहाँ पे डिलीट का बटन लगा हुआ कि जैसा कि आप यूआई पे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम डेटा को डायनेमिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम एक कॉन्स्टेंट लेंगे और यूजर डेटा, और इसको हम सेट करेंगे, सेट यूजर डेटा। हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज स्टेट, और इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट पास करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, हमने एपीआई से डेटा कॉल करने के लिए। यहाँ पे हम यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, जो हमारा यूआरएल है उससे डेटा कॉल करने के लिए। यूज इफेक्ट, ये देखिए। अब यहाँ पे हमारा एक हमारा कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ से एक हम कॉन्स्टेंट लेंगे, गेट डेटा इज इक्वल टू, असिंग फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ से गेट डेटा को हम एज ए फंक्शन रिटर्न करेंगे। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पास करेंगे। अब इसके अंदर एक मैंने कॉन्स्टेंट लिया, आरक्यू डेटा इक्वल टू फैच एपीआई का यूज करेंगे, और इसमें हम यूआरएल पास करेंगे। चलते हैं हम ब्राउजर में, ये देखिए, ये हमारा यूआरएल है एपीआई का, और इसको हम यहाँ पास करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक और कॉन्स्टेंट लेंगे, आर एस डेटा इक्वल टू आर ए क्यू डेटा डॉट जेएसएन जेएसएन, ठीक है। हमने असिंक का यूज किया, तो हमें यहाँ पे अवेट का यूज करना पड़ेगा। हमें डेटा मिल जाएगा, और यहाँ पे हम स्टेट में वैल्यू इसकी सेट कर देंगे। देखिए, अब ये डेटा जो आ रहा होगा हमें इस स्टेट में मिल जाएगा। तो हम इस के थ्रू जो कि हम मैप फंक्शन लगा यहाँ पे कॉल करेंगे। चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने यहाँ कर ली बंद कर दिया, कंट्रोल वी यूजर डेटा डॉट मैप, देखिए, और ये हमारा यहाँ बंद हो जाएगा। अब इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ से इस ब्रेकर को हटा के हम यहाँ बंद कर देंगे। ये देखिए, गेट यूजर्स कामा इंडेक्स, देखिए टी आर पे अब हम एक की लेंगे, यहाँ पे हम इंडेक्स पास करेंगे, और यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 2 करके आएगा, ये हो जाएगा हमारा इंडेक्स प्लस 1, ये जो सीरियल नंबर है। और यहाँ पे हम गेट यूजर, और इसको हम हटाएंगे, इसको हम डायनेमिक करेंगे, गेट यूजर डॉट यूजर नेम, इसी को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पास किया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूजर ईमेल, और चलते हैं हम यूआई पे। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे डेटा जो है कि डायनेमिक हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक एड्रेस भी मिल रहा होगा। तो हम एक काम करते हैं, ईमेल के बाद यहाँ पे हमने एड्रेस किया,
और यहाँ पे एक हमारा और वैल्यू आ जाएगी, यूजर एड्रेस। ठीक है, ये हमारा डेटा अब डायनेमिक हो चुका है। ये देखिए, यूजर नेम, ईमेल और एड्रेस, सॉरी एड्रेस नहीं है, यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है, यूजर एड्रेस। ये देखिए यहाँ पे यूजर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस पर चेक करें तो ये हमारा चेक होके, और जो कि डिलीट आल करें तो ये हमारा वैल्यू एरे में हमारा एपीआई पे जाना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम चेक अनचेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए चेक्ड में हम सब यहाँ पे नेम इक्वल टू, और इसको हम डायनेमिक करेंगे। ये देखिए यूजर नेम, यहाँ से हमने यूजर नेम पास किया, ऑन चेंज का यूज करेंगे, एक इवेंट लेंगे ऑन चेंज इक्वल टू और हैंडल चेंज। ये हमारा ऑन चेंज पे एक मैंने एक इवेंट लिया, और यहाँ पे चेक्ड करेंगे क्या, ये देखिए इक्वल टू, ये जो हमारा गेट यूजर्स है, गेट यूजर्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे डॉट इज चेक्ड और फाल्स। ये हो गया। अब इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, चलते हैं ऑल सेलेक्ट पे, नेम इज इक्वल टू यहाँ पे ऑल सेलेक्ट, अब हमने लिया ऑल सेलेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑन चेंज यूज करेंगे, ऑन चेंज हैंडल चेंज, इन दोनों का हमें इवेंट जो कि सेव रखना पड़ेगा। ये देखिए ये वाला जो ऑन चेंज है, हैंडल चेंज, और ये जो है दोनों का इवेंट सेव होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखिए अब चेक करेंगे, चेक्ड इक्वल टू, ये देखिए ये हम चेक्ड यहाँ से करेंगे जो हमारा यूजर में डेटा आ रहा होगा। ये देखिए यूजर डेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू यूजर डेटा, यूजर डेटा हो जाएगा यहाँ पे डॉट सम, सम के बाद हम क्या करेंगे इसमें हम, और यहाँ पे हम फंक्शन लेंगे, फंक्शन लेने के बाद ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूजर, और इसमें हम चेक करेंगे इसको डॉट इज चेक, चेक करने के बाद नॉट इक्वल टू हम ट्रू करेंगे ट्रू, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा यूजर। ये देखिए ये हमारा चेक अनचेक पे। अब हम चलते हैं यहाँ पे इस इवेंट को कॉल करेंगे, ये देखिए जो हैंडल चेंज है, अब हम चलते हैं ऊपर, इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे, मैंने एक कांस्टेंट लिया और हैंडल चेंज इक्वल टू एरो फंक्शन, और यहाँ पे हमने पैरामीटर दिया, और यहाँ पे एक मैंने कांस्टेंट लिया, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट होगा ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे आएगा नेम और एक कॉमा चेक्ड, क्या हो जाएगा इक्वल टू ई डॉट टारगेट। यहाँ पे हमने एक अलर्ट लगाया, चेक करते हैं कि हमारा इवेंट पे यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हेलो सेलेक्ट। ठीक है, चलते हैं यूआई पे, यूजर नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 35 कह रहा है कि यूजर डिफाइंड नहीं है 35 पे, सॉरी यहाँ पे कैपिटल हो गया, यहाँ स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं यूआई पे, ये देखिए यहाँ पे हमारा डेटा जो है कि आ गया है। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। ये देखिए हेलो सेलेक्ट, हमारा इवेंट जो है कि कॉल हो रहा है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये अभी के लिए मैंने इसको हटाया, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए इफ एल्स में चलेगा, क्या चलेगा वो देखते हैं, इफ और अभी हम इस पे क्या चेक करेंगे, जो नेम है, नेम इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे देखिए, पहला कंडीशन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आल सेलेक्ट के लिए, आल सेलेक्ट पे जब आप क्लिक करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक हम कांस्टेंट लेंगे, ठीक है चेक्ड वाइल, क्या होना चाहिए चेक्ड में क्या करेंगे,
ये जो हमारा यूजर डेटा आ रहा है इसकी वैल्यू में हम चेक करेंगे। देखिए यूजर डेटा डॉट मैप, मैप के बाद हम यहाँ पे एक हमारा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न और डॉट 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 यूजर कामा इज चेक्ड कॉलन चेक्ड, और यहाँ पे हम यूजर पास करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्रेड ऑपरेटर में चेक कामा चेक, ये हो गया हमारा। और इसके बाद हम स्टेट में इसकी वैल्यू को सेट कर देंगे। ये देखिए ये जो हमारा स्टेट है यूजर सेट और कामा, इस वैल्यू को हम यहाँ पास कर देंगे। चलो हम कंसोल करके देख लेते हैं एक बार। कंसोल डॉट लॉग, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पास कर लेंगे। चलते हैं यूआई पे, इसको मैंने रिफ्रेश किया और कंसोल ओपन कर लेते हैं। हमने अभी ऑल सेलेक्ट पे हमने जो है कि अभी इवेंट को कॉल किया हुआ है। चलते हैं कंसोल पे, यहाँ पे क्या मिलता है ये देखिए। मैंने जब चेक किया तो हमारा सारा चेक्ड हो गया। अभी देखिए हम चेक करके इसमें वैल्यू देखते हैं। देखिए सारे हमारा जो कि देखिए इसके अंदर जो हमने चेक किया इज चेक इक्वल टू ट्रू हो गया। जो हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया है ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा जी इज चेक्ड इक्वल टू चेक्ड हो गया, तो हमारा क्या हो गया ट्रू, ठीक है। इसे अगर हम अनचेक करते हैं, देखिए अनचेक हो गया। अब फिर हमें एक एरे मिला होगा, ये देखिए। अब इस एरे में जाके वैल्यू चेक करेंगे, जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स पे, यहाँ पे चेक इक्वल टू फाल्स हो गया। कहने का मतलब ये हमारा चल रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी क्लिक करना है, इसको भी चेक करना है। तो क्या करेंगे, हम चलते हैं एल्स पार्ट में, ठीक है। अब एल्स पार्ट में हम आ जाते हैं, हमारा इफ यहाँ चला यहाँ बंद हुआ। अब इसके बाद एल्स, एल्स में क्या होगा, फिर हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लेंगे। ये देखिए एक हमने कांस्टेंट लिया और इसका नेम सेम रखा मैंने, आप कुछ भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने जो ये यूजर डेटा है, ठीक है, यूजर डेटा डॉट मैप मैप, और इसके बाद हमने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूजर। यूजर के बाद अब हम यहाँ पे यूजर डॉट यूजर नेम, ये यूजर नेम हमारा कौन सा होगा, जो ये आपने देखा होगा एपीआई में आ रहा होगा, देखा ये यूजर नेम, ठीक है। यहाँ से यूजर नेम इक्वल टू नेम, और यहाँ से हम स्प्रेड ऑपरेटर में चेक करेंगे डॉट 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 यूजर और जो है कि कामा इज चेक्ड कॉलन चेक्ड, ठीक है, इज कामा कॉलन चेक्ड, और यहाँ पे कॉलन में हमारा यूजर आ जाएगा। यहाँ पे हम फिर हम जो कि स्टेट में वैल्यू को फिर से हम कांस्टेंट को डाल देंगे, यहाँ पे आइए यहाँ पे, और जो है कि फिर हम इस वैल्यू को कौन सी, ये जो चेक वैल्यू है यहाँ पे हम स्टेट में पास कर देंगे। पास करने के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा, और यहाँ पे हम फिर कंसोल करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम ये वैल्यू फिर से पास करके देखते हैं हमें कंसोल में एल्स में क्या मिलेगा, ठीक है। चलते हैं यूआई पे, इसको मैंने रिफ्रेश किया, एक बार फिर से कंसोल ओपन कर लेते हैं। कंसोल में आ गए, सबसे पहले हम सिलेक्ट ऑल करते हैं, तो देखते हैं सिलेक्ट ऑल किया तो ये हमारे देखो एरे में सारी वैल्यू आ गई। ये देखिए ये चेक इज इक्वल टू ट्रू। अब हम इसे अनचेक करते हैं, तो मैंने अनचेक किया तो एक और एरे मिल गया, ठीक है। इसमें देखेंगे तो आपको वैल्यू फाल्स मिलेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सॉरी फिर से हम कंसोल ओपन करते हैं, चलते हैं कंसोल में, इसको मैंने फिर रिफ्रेश किया। अब देखिए हम यहाँ पे एक एक चेक कर रहे हैं, जैसे जिसकी सीरियल नंबर वन वाले को चेक किया मैंने, ये देखिए एक एरे मिला, ठीक है। ये एरे में देखिए जो जिसका जीरो इंडेक्स है इसकी वैल्यू ट्रू हो गई, ठीक है। अगर हम दूसरे में चलेंगे तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक्ड नहीं हुई, उसमें इस एरे में एक ही की वैल्यू ट्रू है, ठीक है। अब हम जैसे चलते हैं सिक्स पे, अब हम सिक्स पे आ गए, देखिए एक एरे मिला।
अब यहाँ पे जीरो जिसका इंडेक्स है वो हमें यहाँ पे देखिए इज चेक इक्वल टू टू मिलेगा, और हमने सिक्स पे किया हुआ है तो ये हमें आई थिंक पाँचवें पे जो है मिलेगा, नहीं तो हमारा ये पाँचवें पे मिलेगा जब हमने सिक्स को किया, क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है। जब हमने सिक्स वाले सीरियल पे क्लिक किया तो ये पाँचवें वाले पे देखिए वैल्यू यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, ठीक है। छठे वाले पे कोई वैल्यू ट्रू फाल्स नहीं होगी, आपने जो जो चेकबॉक्स क्लिक करेंगे वहाँ पे उसकी वैल्यू हमारी ट्रू होती जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए चेक अनचेक हो गया है, अब हम इसको डेटा को आल डिलीट पे डेटा को यूपीआई पे पोस्ट करेंगे। तो अब हमें आल डिलीट पे वर्क करना है, तो मैंने एक बार रिफ्रेश किया, चलते हैं आल डिलीट पे। यहाँ पे आने के बाद हम चलते हैं आल डिलीट पे। तो ये देखिए आल डिलीट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑन क्लिक लेंगे, ऑन क्लिक इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा हैंडल आल डिलीट। इस इवेंट को हम यहाँ कॉल करेंगे। इसके बाद अब हमने एक कांस्टेंट लिया हैंडल आल डिलीट इक्वल टू एरो फंक्शन, रिटर्न किया। अब ये देखिए यहाँ पे आने के बाद अब हम देखिए यहाँ पे अलर्ट करके देखते हैं यहाँ पे हम आ रहे हैं कि नहीं, अलर्ट हेलो। चलते हैं हम यूआई पे, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हेलो, कहने मतलब हम इस इवेंट पे आ रहे हैं, ठीक है। अब इस इवेंट पे आने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि एक हम कांस्टेंट लेंगे, एक मैंने कांस्टेंट लिया चेक्ड इनपुट वैल्यू, चेक इनपुट वैल्यू इक्वल टू हम एक एम्प्टी एरे लेंगे। एम्प्टी एरे लेने के बाद फॉर लूप का यूज करेंगे, क्यों करेंगे आइए देखते हैं। ये जो हमारा स्टेट है यूजर डेटा, जब हम यहाँ पे आल डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने एक लेट आई इक्वल टू जीरो और यहाँ पे आई लेस देन क्या, ये जो हमारा यूजर डेटा है, यूजर डेटा कौन सा, ये जो हमारा स्टेट में होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी लेंथ चेक करेंगे डॉट एल ई एन लेंथ कामा और आई प्लस प्लस। यहाँ पे हमें एक कंडीशन लेना पड़ेगा, ये देखिए क्या लेंगे कि जहाँ पे ये है यूजर डेटा क्या है, यूजर डेटा और यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई डॉट इज चेक्ड इक्वल टू ट्रू हो। तो क्या करें कि ये जो हमारा एम्प्टी एरे है इसमें हमें वैल्यू पुश कर दें डॉट पुश कॉमा और यहाँ पे जो यूजर डेटा और यहाँ पे आएगा हमारा आई और डॉट में क्या यूजर आईडी, यूजर आईडी कौन सी, ये देखिए जो हमें एपीआई में यहाँ पे मिल रही होगी ये जो यूजर आईडी है 123 और इसी के यहाँ पे हमें डेटा को डिलीट करना होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं हमारा यहाँ पे पुश कर दें, लेकिन यहाँ पे ये देखिए पुश करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें पार्स इंटीजर का जो है कि हमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए हम फिलहाल चलते हैं। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कंसोल करके देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिल रही है, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल और इसके अंदर हम क्या करेंगे ये जो हमारा चेक इनपुट वैल्यू है यहाँ हम पास कर देंगे, ठीक है। चलते हैं यूआई पे और कंसोल करके देखते हैं, मैंने इसको रिफ्रेश किया, चलते हैं कंसोल पे। मैं यहाँ से चेक कॉल करता हूँ, ये देखिए मैंने चेक कॉल कर दिया, चेक कॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू जगह ट्रू हो गई होंगी। अब हम क्या करते हैं डिलीट ऑल पे क्लिक करते हैं, तो मैंने डिलीट ऑल पे क्लिक करके देखते हैं हमें कंसोल पे क्या मिलेगा, अभी के लिए मैंने यहाँ पे क्लियर किया, ठीक है। अब देखिए ऑल डिलीट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ऑल डिलीट पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए सारे चेक्ड है। तो क्या हुआ कि हमें एक एरे मिला जिसमें उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जो है कि हमें एरे में मिल गया। अब यही डेटा उठा के हमें एपीआई पे भेजना होगा, तो अभी के लिए एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करके देखता हूँ, देखिए ये तो सारा चेक था, तो जो है कि मैंने
ऑल डिलीट किया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो जिसकी आईडी 2 है और जिसकी आईडी 3 है वही हमें दो डेटा डिलीट होना चाहिए। ये देखिए जो लास्ट वाला एरे आया होगा तो इसमें जीरो पे नहीं, जीरो पे नहीं, टू वाली और थ्री वाली, कहने का मतलब जिसका इंडेक्स 1 है और देखिए ट्रू और जिसका इंडेक्स 2 है इसका ट्रू। अब इसको मैं आर डिलीट करता हूँ तो क्या मिलेगा, अभी के लिए मैंने कंसोल क्लियर किया और यहाँ पे मैंने डिलीट किया। ये देखिए जिसका आईडी 2 और 3 है यही जो कि हमें एरे में मिला, ये डबल कोटेशन के अंदर आ रहा है लेकिन इसको मुझे हटाना है। लेकिन इसको इसके लिए हम हटाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पार्स INT का यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एज ए फंक्शन और यहाँ लास्ट में हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है, पार्स INT होता है। अब हम चलते हैं UI पे, यहाँ पे 1 और 2 पे मैंने चेकड किया और डिलीट आल किया। ये देखिए हमें देखिए कामा सेपरेट कामा में मिल रहा वैल्यू 1 और 2। अब यही इसी वैल्यू को हमें API पे भेजनी होगी, कहने का मतलब हमारा चेक ऑल, ये देखिए मैंने चेक ऑल कर दिया। अब मैंने डिलीट किया तो देखिए सारी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ 10 तक हमें वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू मिलने के बाद हम जो है कि हम API कॉल करेंगे, तो चलते हैं हम अपने API पे वर्क करेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पे XGS का यूज़ करेंगे अपने डेटा को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्स्टेंट लिया और जो है कि इसका नाम दिया रिस्पॉन्स इज इक्वल टू XGS डॉट पोस्ट। देखिए और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जो है कि हमने यहाँ पे हमें अवेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने बैकटिक का यूज़ किया और हम यहाँ पे अपने API का पाथ देंगे। चलते हैं API पे, ये देखिए हमारी API है, यहाँ पे देखिए आल डिलीट आ रहा है। आल डिलीट का मतलब ये है कि अभी डेटा पोस्ट नहीं हुआ है। तो हम अपने API पे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने API बनाया हुआ है, ये हमारा URL होगा, ठीक है, URL में डिलीट चेकबॉक्स यूजर, और ये डेटा हमें जो वहाँ से पोस्ट होगा तो ये देखिए इसमें आएगा JSON डिकोड और फाइल गेट कंटेंट के अंदर, क्योंकि हमने कोडिंगनेटर यूज़ किया हुआ बैकेंड में डिलीट करने के लिए API के लिए, ठीक है। तो अब देखिए ये आल डिलीट दिखा रहा है और प्रिंट आर डेटा डाई, इसमें जो है कि कोई वैल्यू अभी नहीं आई है, जब पोस्ट होके आएगी तो हमारा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अभी देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे आल डिलीट लिखा हुआ मैसेज आपको दिख रहा होगा, जो कि हमने यहाँ पे आल डिलीट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम जब डेटा पोस्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रिंट आर डेटा में मिल जाएगा क्या आया हुआ है इस JSON के अंदर। तो चलते हैं हम यहाँ पे डेटा पोस्ट करेंगे, तो हमारी API है लोकल होस्ट डेवॉस डेवलपर यूजर डेटा, ये देखिए ये हमारा पेज है यूजर डेटा। यूजर डेटा के बाद हमारा आता है फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या है, डिलीट चेकबॉक्स यूजर, तो ये देखिए डिलीट चेकबॉक्स यूजर यही URL हम यहाँ यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर पास किया, पास करने के बाद देखिए और यहाँ पे देंगे कामा, कामा के बाद हम देंगे जो हमारा ये वैल्यू आया है कौन सा, चेकबॉक्स जो हमारा ये वैल्यू है कौन सा, ये चेक इनपुट वैल्यू JSON डॉट स्ट्रिंग फाइल के अंदर भेजेंगे और यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू भेजने के बाद अब यहाँ पे हमें जो है कि मैसेज भी दिखाना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लेंगे डेल मैसेज और इसको हम सेट करेंगे, सेट डेल मैसेज और यूज स्टेट में इसको हम नल रखेंगे, यूज स्टेट इसको हम नल रखेंगे, ठीक है। अब इस स्टेट को हम यहाँ कॉल करेंगे, ये मैंने कॉल किया, ये देखिए हमारा हो जाएगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट MSG मैसेज, ये देखिए हम वहाँ से रिटर्न करेंगे मैसेज के MSG के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यू हमारी यहाँ स्टेट में आ जाएगी, ठीक है, कौन सा डील मैसेज स्टेट में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पास कर देंगे, इसके अंदर हमें मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने API वाले पेज पे, ये देखिए
ये डेटा हमारा यहाँ आएगा। अब हम इसे जब हम एक्शन आल डिलीट करेंगे, चलते हैं अपने यूआई पे। अब ये देखिए, जैसे हम यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं कंसोल पे। हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए पहले टू और फोर को हम यहाँ की जो कि आल डिलीट कर रहे हैं, तो मैंने आल डिलीट पे क्लिक किया। चलते हैं हम नेटवर्क पे। ये देखिए नेटवर्क पे हमें क्या मिला, ये देखिए आल डिलीट, और हमें एक एरे मिल रहा है। आल डिलीट के बाद देखिए एरे, एरे के अंदर जीरो इंडेक्स पे आईडी टू और फोर, हमने कौन सा चेक किया हुआ है, टू और फोर, ये हमारा यहाँ पे जो कि वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ आई, ये वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट आउट डेटा पे मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं आल चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आल चेक है। अब इसको मैं आल डिलीट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए अब हमारा डेटा इसमें आया हुआ है। ये देखिए आल डिलीट में 01 से लेके 10 तक, ये देखिए 1 2 3 और 0 इंडेक्स से लेके 9 तक। कहने का मतलब है ये हमारा सारा डेटा जो है कि हमें एपीआई पे रिसीव हो चुका है। ठीक है, अब एपीआई पे हमारा डेटा आने के बाद देखिए इसको मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ। ठीक है, कमेंट, मैंने इसको कमेंट किया। कमेंट करने के बाद ये जो हमारा डॉलर डेटा ये है, इसमें सारी वैल्यू आ रही है, तो इसको मैंने देखिए ये हमारा मॉडल है। मॉडल के बाद हमारा ये फंक्शन है, क्या है, डिलीट चेक बॉक्स, और इसमें डॉलर डेटा पास किया हुआ है। अब ये हमारा मॉडल देखिए, ये यूजर मॉडल है, कौन सा है, यूजर मॉडल जो मैंने यहाँ पे डिफाइन, देखिए यहाँ पे मैंने जो कि कॉल किया हुआ है। अब इसके अंदर एक फंक्शन है डिलीट चेक बॉक्स डॉलर डेटा, ये हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, चेक बॉक्स के अंदर। चेक बॉक्स के अंदर देखिए यहाँ पे हमारा डॉलर डेटा में जो डेटा वहाँ से आया होगा यहाँ पे मिल जाएगा। मिलने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक अपना जो कि क्वेरी लगाया हुआ, क्या कि हमारा वेयर इन यूजर आईडी, वेयर इन यूजर आईडी कहने का मतलब है ये जो हमारा यूजर आईडी है इसमें जो कि आईडी आएगी एरे में जो जो मिलेगा और यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ये देखिए डॉलर डेटा और डिलीट कौन सी टेबल, टेबल यूजर से, ये देखिए हमारी टेबल यूजर नाम का एक टेबल है। ठीक है, ये है, ये हमारी टेबल यहाँ पे है, देखिए तो यहाँ से हमारा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है डिलीट होने के बाद रिटर्न ट्रू करेगा, रिटर्न ट्रू करने के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये रिटर्न बुलियन वैल्यू 1 करेगा, अगर ट्रू है फाल्स होगा तो 0 करेगा। यहाँ पे चेक करेंगे रिस्पॉन्स में, देखिए मैसेज, यही मैसेज जो है कि हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ, कहाँ पे, ये देखिए मैसेज जो वहाँ से जेएसएन में रिटर्न करेगा वो हमें यहाँ मैसेज में सेट हो जाएगा, और मैंने यहाँ से फिर जो है कि यहाँ पे कॉल किया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे मैसेज आएगा यूजर डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, और अदर अगर नहीं डिलीट होता है तो रिस्पॉन्स में इनवैलिड डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम करके देखते हैं। और ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये देखो जेएसएन मैंने इनकोड कर दिया, ये मैसेज जो है कि आपको यहाँ पे कंसोल में दिख जाएगा। तो सबसे पहले मैं कंसोल क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम तीन डेटा को डिलीट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक आईडी लिया 789, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करके देखते हैं। चलते हैं कंपोनेंट पे, कहीं डाई तो नहीं लगा है, चेक कर लेते हैं, नहीं कहीं नहीं लगा है, तो अब हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, आल डिलीट, ये देखिए, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए मैसेज मुझे मिल गया, क्या मैसेज, यूजर डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, पेलोड में कौन सी 8910 आईडी, और प्रीव्यू में ये मैसेज मिल गया। ठीक है, अब देखिए हमारा डेटा यहाँ पे डिलीट हो जाना चाहिए। ये रिफ्रेश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने रिफ्रेश यहीं पे ही कॉल किया हुआ है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए 7 डेटा जो कि यहाँ बचा, बाकी 3 डिलीट हो गया। ये देखिए हमारी एपीआई पे 10 डेटा आ रहा है, और यहाँ पे हम चलते हैं टेबल में, ये देखिए 7 डेटा बचा, हमारा 3 डिलीट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब इसको मैं रिफ्रेश करूँ, यहाँ से 3 कम हो जाएंगे, ये देखिए 7 डेटा, हमारा डेटा क्या हो गया, सक्सेसफुली डिलीट हो गया, यहाँ पे मैसेज भी आया था। ठीक है, अगर हम आल चेक करते हैं, ये देखिए, तो हम भी हमारा डेटा यहाँ पे जो है कि डिलीट हो जाएगा, तो करके देखते हैं एक बार। चलते हैं नेटवर्क पे, चेक ऑल पे डिलीट हो रहा है कि नहीं, सिंगल पे तो हो रहा है, और जो है कि कंसोल नेटवर्क, और इसको हम डिलीट करते हैं, डिलीट ऑल, यूजर डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, देखो मैसेज आ गया, ये अभी रिफ्रेश नहीं हुआ, वो हम बाद में देख लेंगे। ये देखिए डेटा, और कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये जो कि डिलीट हो गया। हम चलते हैं टेबल में, ये देखिए डेटा हमारा इम्पटी हो गया। हम चलते हैं यूआई पे,
ये देखो डिलीट हो गया, और हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं, ये देखो डेटा हमारा जो है कि डिलीट हो चुका, कोई डेटा नहीं आ रहा है। वो हम एल्स में डाल देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, लेकिन अभी के लिए देखिए कोई डेटा यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक एंट्री कर लेते हैं, नहीं तो ये हमारा जो है कि वहाँ पे पेज जो है कि थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं है, तो वहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आ रही होगी। तो मैंने यहाँ पे डेबिट डेबिट एट द रेट जीमेल डॉट कॉम मैं यहाँ से एंट्री कर देता हूँ, यूएसए स्टेटस में बोल लिया। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो एक रिकॉर्ड आ गया, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ गया और टेबल में एक रिकॉर्ड हो गया। और इसकी आईडी जो होगी ब्राउजर, ये देखिए 13, ये देखिए 13 इसकी यूजर आईडी। कहने का मतलब है आप ऑल डिलीट जो है कि इस मेथड से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमने कैसे डेटा को चेक चेक्ड किया, अनचेक्ड किया, और डिलीट किया, और ऑल डिलीट किया। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, और इस कोड को मैं गिटहब पे डाल दूंगा और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।